अस्सलाम वालेकुम, मैं अपनी एक न्यू वीडियो के साथ मौजूद हूँ। हम जो है पढ़ने जा रहे हैं कि फिल्टर सर्किट्स क्या होते हैं। फिल्टर सर्किट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर सर्किट कैसे लगाते हैं हम वो भी देखेंगे। हमारे पास जो है फिल्टर सर्किट्स में, हमारे पास कई टाइप्स के फिल्टर्स, हमारे पास सर्किट्स होते हैं। हमारे पास RLC सर्किट होता है, RC होता है, LC होता है और LR सर्किट, या मैं कहूँ RL सर्किट। R मीन्स रेजिस्टेंस, L मीन्स इंडक्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस। मेरे पास जो फिल्टर सर्किट्स होते हैं वो असल में मेरे पास RLC सर्किट्स होते हैं। मैंने ये बताया कि R क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस एंड L फॉर इंडक्टेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपके पास फिल्टर सर्किट्स है तो, लेकिन फिल्टर्स होता क्या है। फिल्टर्स का बेसिक काम होता है टू रिमूव फ्लक्चुएशंस। यानी हम ये कह सकते हैं कुछ अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज को रिमूव करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। फिल्टर्स का काम क्या है, कुछ अनवांटेड फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसीज हमें नहीं चाहिए उसको रिमूव करना। फिल्टर्स की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन हमारे पास होती है डीसी पावर सप्लाई। एक कंप्लीट डीसी पावर सप्लाई में हमारे पास फिल्टर यूज करते हैं तो होता क्या है कि अगर आपके पास एक एसी सोर्स लगी हुई है, जब वो रेक्टिफायर से पास होती है, रेक्टिफायर का क्या काम होता है, रेक्टिफायर का काम होता है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा तो हमारे पास या तो हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव हमें मिलेगी या फुल वेव मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल हमें फुल वेव मिल रही है, इस तरह की हमारे पास आउटपुट आएगा, ये इनपुट था। तो जब वो फिल्टर से होकर गुजरेगी, ये फिल्टर है, जब वो फिल्टर से होकर गुजरेगी तो क्या होगा कि हमारे पास स्मूथ स्मूथ स्ट्रेट सिग्नल आ जाएगा। यानी ये आपके पास डीसी वोल्टेज है। जब ये सिग्नल, जिसमें आपके पास फ्लक्चुएशंस हैं, आपके पास हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, जब वो इस फिल्टर से होकर गुजरेगी तो वो स्ट्रेट लाइन हमें जो है डीसी वोल्टेज देगी। और उसके बाद हमारे पास उसमें रेगुलेटर लगा हुआ होता है। रेगुलेटर क्या काम करता है, इस स्मूथ डीसी वोल्टेज को मेंटेन रखता है ताकि मजीद इसमें फ्लक्चुएशंस ना आए। इसके बाद इसमें लोड रेजिस्टेंस लगा होता है, लोड, जो कि हमारे सर हमारे अगर डीसी पावर सप्लाई में हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज आता है तो लोड रेजिस्टेंस क्या करता है, लोड इसको कंट्रोल करता है ताकि हमारा जो डिवाइस है वो खराब होने से बच जाए। तो ये एक कंप्लीट डीसी पावर सप्लाई की एक डिस्क्रिप्शन है। असल हमारा काम क्या था कि फिल्टर्स को समझना कि फिल्टर्स का काम क्या है। फिल्टर्स का काम ये है टू रिमूव फ्लक्चुएशंस ताकि हमारे पास एक स्मूथ चीज आ जाए। यानी जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमने ये की कि हमारे पास डीसी वोल्टेज। अब हम बात करेंगे कि फिल्टर्स की टाइप्स कितनी होती है। अगर हम कंपोनेंट्स के हिसाब से बात करें, अगर हम कंपोनेंट्स के हिसाब से बात करें फिल्टर्स की, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स, तो ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर्स। एक्टिव फिल्टर्स हमारे पास विथ एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से मेरे पास मुराद है बैटरी या पावर सप्लाई, और पैसिव से मेरे पास मुराद है विदाउट एक्सटर्नल सोर्स। एक्टिव फिल्टर्स में हमारे पास आते हैं जहां पर हम एक्सटर्नल सोर्स यूज कर सकते हैं, बैटरी या पावर सप्लाई। उसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स के हिसाब से उसकी एग्जाम्पल से हमारे पास आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम कहते हैं, और डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। क्योंकि इसको सप्लाई देने के लिए हमें जो है ये लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम ये इसको कहते हैं कि ये एक्टिव फिल्टर्स होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पैसिव फिल्टर्स होते हैं जिसको हम कह रहे हैं कि ये विदाउट एक्सटर्नल सोर्स के बगैर लगते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास है RLC सर्किट, जिसमें आपके पास रेजिस्टर, कैपेसिटर
और इंडक्टर्स लगे होते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स है जहां आपके पास सर्किट्स में ये तीन कंपोनेंट्स या इनमें से कोई भी कंपोनेंट्स यूज होगा, वो आपके पास एग्जांपल क्या है, पैसिव फिल्टर्स की। तो अब हम जो फिल्टर्स की जो सर्किट पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास अब हम फिल्टर्स की टाइप्स देखें तो हमारे पास कई टाइप्स के फिल्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास फोर फिल्टर्स हैं। एक होता है लो पास फिल्टर, एक होता है हाई पास फिल्टर, और बैंड पास एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर्स इसमें होता क्या है कि ये फिल्टर्स ऐसे होते हैं जो कि लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को जाने देते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को ये ब्लॉक कर देते हैं। अब ये बात हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि होता ये है कि हर फिल्टर्स की अपने पास एक क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होती है, जिसको मैं ये भी कह सकती हूँ कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। वो फ्रिक्वेंसी हमें ये बता रही होती है कि हमारे पास अगर ये फ्रिक्वेंसी है तो इससे अगर हमारे पास लो पास फिल्टर सर्किट है तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फ्रिक्वेंसी 2.2 किलो ओम है, 2.2 किलो हर्ट्स है सॉरी, अगर लो पास फिल्टर सर्किट है और मेरे पास इसकी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है 2.2 किलो हर्ट्स, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास इस फ्रिक्वेंसी से नीचे के जो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होंगे वो फिल्टर सर्किट क्या करेगा, उसको पास कर देगा, और इससे जो अबव फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होंगे वो उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। लो पास फिल्टर सर्किट्स का हमारे पास जो ग्राफ होता है वो कुछ यूं होता है, फ्रिक्वेंसी जिसमें हम इसका लॉग ले लेते हैं और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आता है, तो कुछ इस तरह का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारे पास आता है कि हम अगर वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास वोल्टेज में आउटपुट में कमी वाकई होती जाती है। अच्छा, अब लो पास फिल्टर सर्किट जो हमारे पास हैं उसमें हमारे पास हम इनको जो है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। लो पास फिल्टर सर्किट का असल मकसद होता है नॉइज को रिमूव करना। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि स्पीकर्स हम कह सकते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर्स कह सकते हैं, इक्वलाइजर कह सकते हैं। सो इट मींस लो पास बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द लो पास फिल्टर इज टू रिमूव द नॉइज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसीज एंड प्रोड्यूस अ क्लियर एंड प्रोड्यूस अ क्लियर एंड हाई रिस्पॉन्स आउटपुट। देन यू इफ यू वॉन्ट यानी अगर हम स्पीकर की बात करें तो वहाँ पर हमें क्लियर आवाज़ इसलिए समझ में आती है कि लो पास फिल्टर सर्किट्स को वहाँ यूज़ किया जाता है, वो क्या करते हैं उसको हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस उसको वो रिमूव कर देते हैं और हमें क्लियर वॉइस मिल रही होती है। अब हम बात करें सर्किट की, तो हमारे पास ये है कि हमारे पास इसमें एक लोड रेजिस्टेंस होती है जो कि यूज़ किया है मैंने 4.7 ओम या फिर आप 5.5 ओम की यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, इसमें कोई कलर कोडिंग नहीं है, इस पर यह लिखा हुआ है कि ये 4.7 ओम की है, पता नहीं आपको नज़र आएगी कि नहीं, ये 4.7 ओम की है, इस पर लिखा हुआ है 4.7 ओम की रेजिस्टर। इसके अलावा मेरे पास इंडक्टर है एल, जो कि मुझे रिक्वायर्ड था 159 माइक्रो हेनरी का, लेकिन बस किस्मती थी मुझे मिला नहीं, तो मेरे पास ये मैंने इसको दो सीरीज में लिया है, एक 150 का है और एक मेरे पास 7.2 का है माइक्रो हेनरी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के मैंने इसको बनाया है 157.2 माइक्रो हेनरी। फिर इसी तरीके से मेरे पास इसमें कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड थी, वो है 6.8 माइक्रो फैराड, जो के है 4, टोटल मेरे पास ये 4 हैं। तो मेरे पास जो है ये जो है मेरे पास इंडक्टर है एक, और इसमें भी कुछ कलर कोडिंग हुई भी है, कुछ डॉट्स दिए हुए जो कि आपको नजर नहीं आएंगे, एक कलर आपको इधर दिया हुआ है ये ब्राउन कलर है, फिर अगर आप देखें इसके ऊपर से भी दिया हुआ है, तो इधर ब्राउन दिया हुआ है, इधर ब्राउन कलर दिया हुआ है और इधर दो कलर दिए हुए हैं ग्रीन और ब्राउन। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग मेरे पास कलर क्या है, ब्राउन ग्रीन ब्राउन। ब्राउन का जो है नंबर क्या था मेरे पास, ब्राउन का नंबर था 1, ग्रीन का नंबर क्या था, ग्रीन का नंबर था 5, और थर्ड ब्राउन कलर क्या था, ब्राउन कलर दोबारा 1, यानी 10 की पावर 1। तो ये कितना बन गया आपके पास, 150।
और हमारे पास जो 7.2 ओम की इंडक्टेंस है वो ये, ठीक है। तो ये आपके पास ये हो गई टोटल 157.2 हेनरी की इंडक्टेंस। तो और ये हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं जो कि हम सर्किट में यूज़ करेंगे। तो अब हम जो है चलते हैं अपना सर्किट लगाने की तरफ। ये था हमारे पास सर्किट का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो है सर्किट लगाना सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है लो पास फिल्टर सर्किट का हम सर्किट लगाने जा रहे हैं। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। अगर ये आप ये देखें, दो ये यहाँ पर ये लिखा है C/2। C/2 का मतलब है यहाँ कैपेसिटेंस हाफ हो चुकी है। इसका मतलब है यहाँ पर हमने दो कैपेसिटेंस लगाई है सीरीज में। हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है और इंडक्टेंस होती है वो सीरीज में जो है वो इन सॉरी जो रेजिस्टेंस होती है और जो इंडक्टेंस होती है वो हमारे पास सीरीज में बढ़ जाती है, और जो कैपेसिटेंस होती है वो पैरेलल में बढ़ती है। ये सीरीज में बढ़ती है और ये पैरेलल में बढ़ती है। तो ये सर्किट है आपके पास। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे लगाएंगे। अच्छा, मेरा जो सर्किट के लिए जो मैंने ब्रेडबोर्ड सेलेक्ट किया है वो मेरा कुछ बदहाली का शिकार हो गया है, तो प्लीज़ इसकी खूबसूरत शक्ल में मत जाइएगा। हम असल में यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो है ये सर्किट कैसे लगेगा। तो आई एम सो सॉरी, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मेरे पास जो है ये ऐसे ही कैपेसिटर जो है ब्रेडबोर्ड मौजूद था, तो मैं वहाँ चला। ये मेरे पास जो है ये कैपेसिटर्स हैं और ये 6.8 माइक्रोफेराड इस पे लिखा हुआ है। हमने इस तरह के 4 कैपेसिटर्स लिए हैं जो कि यहाँ इस पार्ट पे और इस पार्ट पे हमारे पास इसमें लगेंगे, सीरीज में लगेंगे। ये देखिए, तो ये जब दो हमारे पास सीरीज में लगेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास ये जो ब्रेडबोर्ड है इसमें ये यहाँ से यहाँ तक 5 होल्स हैं, ये कनेक्टेड हैं। आगे पीछे इनका कोई कनेक्शन नहीं। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ 5 होल्स ये भी जो है कनेक्टेड है, और ये जो गैप है बीच में हमारे पास, ये गैप हमें ये बता रहा है कि इसका और इसका ताल्लुक इनसे, इनका कनेक्शन इससे नहीं है। इसी तरीके से अगर आप ऊपर वाला हिस्सा देखें, यहाँ से यहाँ तक ही कनेक्टेड है और ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है एंड तक। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये बीच वाले आपस में क्यों कनेक्टेड नहीं, इसलिए कि अगर आप गौर करें तो आपके पास ये जो गैप है ये बड़ा है, तो इस वजह से ये इनके और इसके कनेक्शंस को क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है। लेकिन हमारे पास जो है जम्पर्स या हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स होती हैं ये, जिसके थ्रू हम अपने सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं सर्किट में ये यूज़ करूँगी। अब हम सर्किट लगाते हैं। ये हमारे पास कैपेसिटर्स है। आपके पास मैं इसका बता दूँ कि ये जो है आपके पास इसकी जो बड़ी लैग है, इसकी जो ये बड़ी वाली लैग है, ये आपके पास पॉजिटिव लैग होती है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ रखूँ इस तरह रखूँ, ये जो पॉजिटिव लैग है राइट साइड पे, मेरे राइट साइड पे ये इसकी जो है पॉजिटिव लैग है, और जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव वो जो छोटी वाली है वो नेगेटिव लैग है। अब हम लगाते हैं सर्किट। देखिए, हम कभी भी सर्किट को हम किस तरह इस तरह नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कनेक्शन गलत हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको लगाती हूँ। मैंने इसको यहाँ ये देखिए, मैंने एक रेजिस्टेंस एक कैपेसिटेंस लगा दिया है। मैंने मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया है, अगर आप देख सकते हैं ये देखिए। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके साथ एक और रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करूँगी, यहाँ से इस होल से। तो ये सीरीज कनेक्शन होगा मेरे पास, और इसका एक सीरीज कनेक्शन है। हमारे पास एक एक पॉइंट जो है इसका ओपन रहेगा, और जो एक एक लैग है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगी। ये मेरे पास इसका सीरीज कनेक्शन हो गया, अगर आप देख सकते हैं ये देखिए।
ये सीरीज कनेक्शन है। इस पॉइंट पे अब मैं कुछ नहीं कनेक्ट करूंगी, जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड है बस मैं वो, अब मैं जो हूँ बाकी दो रेजिस्टर्स, दो जो है कैपेसिटर्स है वो भी लगा देती हूँ। तो ये मैं दो बाकी दो कैपेसिटर्स भी लगाने जा रही हूँ। ये लग गया। अब इसी के साथ मैं दूसरा भी नीचे लगा दूंगी। ये इसकी एक लाइन मैंने यहाँ लगाई और दूसरा कनेक्शन जो है मैंने इसका, ये एक लाइन मैंने यहाँ लगाई है और दूसरा मैंने कनेक्शन इसका आगे रखा। असल में मैं वीडियो भी बना रही हूँ तो मुझे लगाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। ये सीरीज कनेक्शन है हमारे पास, लग गया। अब ये सीरीज कनेक्शन है तो मेरे पास, मुझे असल में देखें अगर आप सर्किट को देखें तो कैपेसिटेंस मेरे पास ग्राउंड हुई हुई है दोनों, तो इसलिए मैंने इसका जो है एक एक पॉइंट मैंने नीचे लगा दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं अब इंडक्टर्स कनेक्टेड कर देती हूँ। ये इंडक्टर्स बेचारे बहुत छोटा सा है, उसकी लेग बहुत छोटी छोटी सी है, इसको मैं ऊपर कनेक्ट कर देती हूँ। ये देखिए आप कनेक्ट हो गया। और इसका जो दूसरा भाई है, इसका दूसरा पार्ट, उसको भी मैं जैसे मैंने सीरीज कनेक्शन कैपेसिटर का लगाया है इसी तरीके से मैं इसको भी यहाँ लगा दूँ। और मुझे इसको सीरीज कनेक्शन देना है और इंडक्टर जो है मेरा बेसिकली दोनों इंडक्टर्स के पॉइंट से, कैपेसिटर्स के पॉइंट से कनेक्टेड है, तो मैं इसको जो हूँ ऊपर लगाऊंगी। क्या करेंगे, हमारे पास आखिरी क्या बचा, ये लोड रेजिस्टेंस, इसको मैं यहाँ कहीं लगा देती हूँ। अच्छा मेरे पास जो है अभी इसके बाद हम जो है कनेक्शंस लगाएंगे। पहले मैंने आप लोगों को कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स लगा के इसलिए दिखा दिए कि ताकि आपको लगाने आ जाए। अच्छा मैं इसको यूं लगा देती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कहीं भी लगाऊँ इसको, इसके होल्स असल में छोटे छोटे हैं। ये आपके पास इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं, ये सीरीज में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इस साइड पे और इस साइड पे। ये देखिए ये आपके पास रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये सीरीज कनेक्शन है इसका और ये आपके पास रेजिस्टर। अब हम कनेक्शन दे देते हैं सीरीज में। आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या है, पहले हम कर देते हैं ग्राउंड। ग्राउंड आपके पास आरएल भी है, ये दोनों कैपेसिटर। हम पहले क्या करते हैं, हम पहले अगर मैं यहाँ मैंने ये यूज़ किए हैं अपने पास कनेक्टिंग वायर्स, अगर मैं यहाँ इस पॉइंट से यहाँ का यहाँ से यहाँ से यहाँ अगर मैं कनेक्ट कर दूँ इसको, दोनों ये वायर्स मैंने दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस लगा दिए, अगर आप देखिए यहाँ लगाई है और यहाँ लगाई है, इससे क्या होगा, ये कॉमन पॉइंट हो गया। इस कॉमन पॉइंट हमें क्या बता रहा होगा कि अगर मैं किसी एक भी कैपेसिटर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दूँ, नीचे लगा दूँ, तो डेफिनेटली सेकेंड कैपेसिटर मेरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ये भी हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक एंड मैं यहाँ लगाऊंगी और एक एंड मैंने यहाँ लगा दिया इस होल में। ये देखिए अब ये ग्राउंड हो गया, ये वाला हमारा ग्राउंडिंग पॉइंट है और ये क्या है, हमारे पास कॉमन पॉइंट है। तो इसके ग्राउंड होने की वजह से हमारे पास ये कैपेसिटर भी ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो गया खुद ब खुद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला जो हमारे पास इंडक्टर्स के पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, देखिए अगर आप हमारे पास इंडक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला और ये वाला, इसको हम इस कैपेसिटर्स के इस पॉइंट और इस कैपेसिटर के इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। सीरीज कनेक्शन से हम कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिर जहाँ पर हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हमें इसको कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर, तो हमने क्या किया, हमने कनेक्शन हमने यहाँ लगाया।
अगर मैं सर्किट को थोड़ा सा उल्टा कर दूं तो शायद आपको बेहतर नजर आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ लगाया और फिर मैंने इसको मैं लगाऊंगी, थोड़ा सा मैं आगे करूं तो यहाँ यहाँ और ये। फिर अब दूसरा पॉइंट भी लगाना है, ये लगा देते हैं। तो अब इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर लगाना है तो हमें यहाँ पे और यहाँ, ये आपके पास ये वाला पार्ट जो है ये सीरीज कनेक्शन है, यहाँ पर नहीं लगा सकते। ये भी सीरीज कनेक्शन इंडक्टर का, यहाँ पर भी नहीं लगा सकते। इसी तरीके से हमारे पास कैपेसिटर का ये वाला पार्ट भी जो है सीरीज कनेक्शन है, हम यहाँ पर भी नहीं लगा सकते। अब क्या करेंगे हम, ये सब तो कनेक्ट हो गए, अब हमें एक पार्ट और काम करना है कि हमारे पास सर्किट में जो आरएल है वो भी आपस में इन इनसे कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक कनेक्शन लगाएंगे। हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो कैपेसिटर था, हम इसको इस इंडक्टर से कनेक्ट, जो कैपेसिटर है इसको इस रेजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं। क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली ये जो इन रेजिस्टर है हमारा, इस पॉइंट से कैपेसिटर से तो कनेक्ट हुआ अकॉर्डिंग टू हमारे सर्किट, वो फिर हमारे पास इस पॉइंट की वजह से, ये जो पॉइंट है हमारे पास इस पॉइंट की वजह से वो हमारे इस इंडक्टर से भी कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये जो है आपस में तीनों कनेक्टेड हो जाए। अब हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे पास ग्राउंड होनी है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। अब हमारे पास कैपेसिटर तो ग्राउंड हो चुके हैं और अब हमारे पास जो है रजिस्टर ग्राउंड होना बाकी। अब मैं सर्किट को तो सीधा कर देती हूँ, मैंने सब समझाने के लिए जो है इसको लगाया था, अब मैं थोड़ा सा करीब कर देती हूँ। ये देखिए नजर आ रहा होगा आपको, ये जो है मेरे पास, मैंने रजिस्टर को यहाँ कनेक्ट किया हुआ है तो इस पॉइंट को मैं कर दे रही हूँ ग्राउंड। ये मैंने कर दिया इसको ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड, ठीक है। अब मेरे पास इसका ये सर्किट तो कनेक्टेड हो गया, अब मुझे इसका इनपुट और आउटपुट कनेक्ट करना है। अब मेरे पास भाई ना फ्रिक्वेंसी जनरेटर भी मौजूद है ना मेरे पास अभी ऑसिलोस्कोप मौजूद है, तो मैं जम्पर्स वायर्स ही यूज़ करूँगी और जिसके थ्रू मैं आपको बताऊँगी कि मेरे पास इनपुट और आउटपुट मुझे कहाँ कनेक्ट करना है। सर्किट डायग्राम के अगर आप देखें कि मैंने इनपुट जो है मेरे पास कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्टेड है, एक ग्राउंड पे है और एक ऊपर है, तो मैंने यहाँ कनेक्टेंस वायर यूज़ की है। अगर आप देखें मेरे पास दो कलर की कनेक्टिंग वायर्स हैं, रेड जिसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल के लिए यूज़ कर रही हूँ, पॉजिटिव इनपुट के लिए यूज़ कर रही हूँ, और जो पर्पल है उसको मैं नेगेटिव इनपुट के लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है दोनों इनपुट हों, उसमें से हमें एक आउटपुट भी यूज़ करना होगा। तो हमारे पास अक्रॉस कैपेसिटर्स हमें मूव करना है, तो हमारे पास कैपेसिटर का ये पॉइंट था ओपन, हमारे पास कैपेसिटर का ये पॉइंट था ओपन और ये पॉइंट जो कि ग्राउंड हुआ है, तो हम इसका मतलब है कि ग्राउंड है तो हम यहाँ ग्राउंड पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास ये बड़ा ये यहाँ पर गैप है तो यहाँ पर हम कोई कनेक्शन नहीं देंगे, हम जो कनेक्शन देंगे वो यहाँ देंगे। तो हमारे पास इनपुट के लिए मैंने ये वायर आपसे कही है तो हम इसको यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि हम यही लगा सकते हैं इसको। ये देखिए इस पॉइंट के लगाइए, जो कि ऑलरेडी किससे कनेक्टेड है, मेरे पास इंडक्टर से कनेक्टेड है, और मैं इसको बीच में यहाँ नहीं लगा सकती, ये सीरीज कनेक्शन है और ये ग्राउंड कनेक्शन है। और यहाँ पर मैं अपनी पर्पल वायर लगा दूंगी, यहीं से मैं लगा देती हूँ। अगर आप देखना चाहें, ये मेरे पास इनपुट नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव वायर मैं ऊपर लगाऊंगी अपने इनपुट की। फ्रिक्वेंसी जनरेटर मैं यहाँ इस प्रैक्टिकल में एज इनपुट यूज़ कर रही हूँ, तो ये रेड वायर पॉजिटिव वायर है और पर्पल वायर मान लें कि आपके पास नेगेटिव वायर है, ये पॉजिटिव वायर है, ये नेगेटिव वायर, और नेगेटिव जो पार्ट है हमारे पास ग्राउंड हो रहा है, तो मैंने इसको आगे में कहीं ग्राउंड कर देती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको ग्राउंड पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक एंडिंग पॉइंट मैं ओपन छोड़ूंगी। अब मेरे पास आउटपुट लगाना है, आउटपुट हमेशा हमारे पास फिल्टर्स में जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस लगता है। तो ये देखिए, अब आपके पास ये आउटपुट के लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये मैंने ऊपर लगा दी है यहाँ,
ये मेरे पास आउटपुट की पॉजिटिव वायर हो गई यानी ऑसिलोस्कोप, और नेगेटिव वायर या तो मैं जो हूँ, अब आप नेगेटिव वायर देखिए, मैंने आपसे बात की है कि आउटपुट हमेशा आरएल के अक्रॉस रहेगा, तो हमारे जो आरएल की जो दूसरी लेग है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्राउंड हुई है, तो मैं इस वायर को या तो ग्राउंड पे लगाऊं या ऊपर आरएल के यहाँ पर लगाऊं, एक ही बात है। तो मैं इसको ऐसा करती हूँ, ही लगा देती हूँ, यानी ऑसिलोस्कोप का मेरे पास जो नेगेटिव पॉइंट होगा वो ग्राउंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो गया है। देखिए कि ये हमारे पास दो कैपेसिटर्स लगे हैं सीरीज में, ये दो इंडक्टर लगे हैं सीरीज में, और फिर ये कैपेसिटर्स हमारे पास मजीद दो लगे हैं सीरीज में। अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कैपेसिटर का सीरीज है, जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन है, लेकिन अगर हम रेजिस्टर को जब इसके साथ ज्वाइन करते हैं तो ये एक पैरल कनेक्शन बन जाता है। अब हमारे पास जो है ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास इंडक्टर के इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, इस पर हम कुछ नहीं ज्वाइन कर रहे। फिर इसकी एंडिंग लेग है, ये हमारे पास 150 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर था और ये 7.2 हेनरी का इंडक्टर था। तो इसके एंडिंग पॉइंट से हमने दूसरा जो कैपेसिटर हमने जो है सीरीज में लगाया हुआ है, यहाँ पर कैपेसिटेंस 6.8 माइक्रो फैराड की यूज हुई है, तो वो दोनों जब सीरीज में लगेंगी तो हाफ हो जाएंगी, इक्वल्स टू 3.4 माइक्रो फैराड यहाँ से लगाया। फिर उसका दूसरा एंडिंग पॉइंट दोनों का क्या किया है, ग्राउंड कर दिया। और ये वाली जो वायर है ये हमारे पास कॉमन एज ए यूज हो रही है, क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये वाली जो ग्रीन वायर है ये मेरे पास ग्राउंड हुई है, ये ग्राउंड होने की वजह से होगा क्या कि ये वाली जो कैपेसिटेंस है ये ऑटोमेटिकली इस कॉमन पॉइंट की वजह से खुद ब खुद ग्राउंड हो जाएगी। फिर मैंने आरएल को कनेक्ट किया है, आरएल मेरे पास आरएल के क्रॉस में आउटपुट ले रही हूँ, ये वाली जो वाइट वायर है इसको मैंने कैपेसिटर से यहाँ कनेक्ट किया हुआ है जहाँ पर मेरे पास इंडक्टर का कनेक्शन है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों वायर्स आपस में क्या करेंगी, इन तीनों को हेल्प करेंगी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने में। फिर ये जो वायर लगाई हुई है मैंने, अच्छा ये जो वायर लगाई है ये आपके पास इससे कनेक्टेड है, ये रेड वायर मेरे पास पॉजिटिव इनपुट है, और इसका जो नेगेटिव लगाया है ये मैंने यहाँ लगाया है। चलिए मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ कैपेसिटर के क्रॉस, क्योंकि हमारे पास जो है इनपुट जो है कैपेसिटर के क्रॉस कर रहा है। ये देखिए सर्किट में कैपेसिटर के क्रॉस लग रहा है इनपुट, ये रहा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये रहा हमारे पास ये वाला पार्ट और ऊपर वाला हमारे पास ये वाला पार्ट। फिर हमारे पास आउटपुट आरएल के क्रॉस लग रहा है, ये वाली रेड वायर है ऑसिलोस्कोप की और ये पर्पल